आपने ऐसा जो भी नहीं, ये गलत सूचना है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूँ, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूँ, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूँ, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूँ, नड्डा जी से भेंट करता हूँ, ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। सर एक सवाल है, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं आप आज हैं मिनिस्टर से? देखिए वो मेरे नेता हैं, मेरे एक काम तो है नहीं, चुनाव आने वाले हैं, मैं कभी भी किसी से मिल सकता हूँ। तो सर एक सवाल है, मंत्री से भी मुलाकात की है? नहीं। इस सब घटना को लेकर? नहीं। तो सर, अगर कोई बात होगी उनके स्तर की कोई बात होगी, देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 31 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। तो सर आने वाले समय में सर जो हो रहा है कोई भूमिका नहीं होगी है? जो भी होने वाला है चाहे कानूनी, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बागी बन गई है, पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं, अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। सर हमने लेटर आया था, उस लेटर में एक बहुत बड़ा रीजन ये दिया गया है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ब्रजभूषण जी, जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि डब्ल्यूएफआई का ऑफिस वही है जो जहां पर जिस शिकायत की गई थी यौन शोषण हुआ वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर ले और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए करीबी तो आप भी मेरे हैं, संजय सिंह भुइयार हैं, और मैं राजपूत हूँ, छत्री हूँ, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा जो आपका दावा? देखिए जो आई वो गई, अब मुझे आगे देखना है। कभी नहीं, आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हुआ चुनाव, तो सरकार ने इसे निलंबित क्यों कर दिया उसका? ये मेरा जवाब नहीं। मैं देखिए कैसरगंज, वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूँ, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं, लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र जो है, हमारा गांव या हमारा घर, पहली बार कैसरगंज लोकसभा में है 3 चुनाव से, तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें, और बाकी पार्टी की इच्छा। अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, क्योंकि पहलवान मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल समाप्त हो गया चुका है, मेरा रोल समाप्त हो चुका है, मेरा कोई रोल नहीं होगी। आज के इस फैसले से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आज का जो फैसला है उससे ब्रजभूषण पर क्या असर पड़ता है? देखिए आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमने तुरंत आपसे कहा कि आप अलग अलग पूछने के बजाय आप एक साथ आइए, मैंने आपको एक साथ बुलाया। अब आपको अगर कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत नर्वस हूँ और बहुत या इसको लेकर के टेंशन में हूँ, मैं क्यों हूँ टेंशन में? जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया,